सेल डिस्कस करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ न्यूक्लियस। तो स्टूडेंट आइए देखते हैं कि सेल की बात करते हैं हम लोग, ठीक है। क्या बात करते हैं? सेल। सेल देखिए क्या स्टूडेंट, सेल के बारे में मैंने आपको इसे पहले भी कुछ चीज बताया था। यहां पे जो होता है सेल, हम बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ न्यूक्लियस। किसके बेस पर बात करेंगे स्टूडेंट? न्यूक्लियस के बेस पर बात करते हैं हम लोग। न्यूक्लियस के बेस पर जो होता है सेल हम लोग बात करते हैं। तो न्यूक्लियस के बेस पे जो होता है स्टूडेंट, दो तरह का जो होता है कि आपको सेल्स बताए जाते हैं। फर्स्ट इज आपका प्रोकैरियोटिक सेल्स एंड सेकेंड इज ए यूकैरियोटिक सेल्स। फर्स्ट क्या है स्टूडेंट? प्रोकैरियोटिक सेल्स। और सेकेंड थिंग्स क्या है स्टूडेंट? यूकैरियोटिक सेल्स। यूकैरियोटिक सेल्स, ठीक है। तो प्रोकैरियोटिक सेल्स एंड यूकैरियोटिक सेल्स के बारे में आपको यहां पे बेसिक चीज कुछ बताऊंगा, उसके बाद वन बाय वन हम लोग पूरा डिटेल इसका देखेंगे। तो सेल्स की बात कर रहे हैं स्टूडेंट, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ न्यूक्लियस, तो ऑन द बेसिस ऑफ न्यूक्लियस सेल्स आर टू टाइप्स। फर्स्ट इज प्रोकैरियोटिक सेल्स एंड सेकेंड क्या आपका यूकैरियोटिक सेल्स है। अब देखिए क्या स्टूडेंट, जो प्रोकैरियोटिक्स की बात कर रहे हैं हम लोग, तो प्रो का मतलब क्या होता है यहाँ पे? प्रो का मतलब होता है स्टूडेंट आपका प्रिमिटिव की बात करते हैं हम लोग, ठीक है। क्या बात करते हैं? प्रिमिटिव की बात करते हैं, या फिर जो होता है कि हम लोग बिफोर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? बिफोर भी कहते हैं। अब क्या है कि जो आपका कैरियोटिक की बात कर रहे हैं हम लोग, तो कैरियॉन जो होता है स्टूडेंट, कैरियोटिक का मतलब आपका कैरियॉन से है। किससे आपका है? कैरियॉन से है। कैरियॉन का मतलब क्या होता है स्टूडेंट? न्यूक्लियस की बात कर रहे हैं हम लोग। किसकी बात करेंगे? न्यूक्लियस की बात करते हैं। यहां पे यू कैरियोटिक की बात करते हैं। यू का मतलब क्या होता है स्टूडेंट? यू का मतलब होता है आपका ट्रू होता है, और कैरियॉन का मतलब, कैरियोटिक का मतलब क्या है स्टूडेंट? आपका कैरियॉन है, ठीक है। कैरियॉन का मतलब क्या होता है आपको बताया गया है? न्यूक्लियस बताया जा रहा है। क्या बताया जा रहा है आपको? न्यूक्लियस बताया जा रहा है। तो जो सेल्स आप देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ न्यूक्लियस, फर्स्ट इज प्रोकैरियोटिक सेल्स एंड सेकेंड इज आपका यूकैरियोटिक सेल्स। प्रो का मतलब प्रिमिटिव होता है, या फिर बिफोर्स कहते हैं आप, ठीक है। कैरियोटिक का मतलब कैरियंस होता है, जिसका मतलब होता है न्यूक्लियस, और यू का मतलब क्या होता है? ट्रू। तो यहां पे देखिए क्या स्टूडेंट, यहां पे कि जो आपका न्यूक्लियस होता है, जैसे यहां पे देखिए प्रिमिटिव का मतलब क्या? प्रोकैरियोटिक है। तो यहां पे जो होता है कि जो न्यूक्लियस होता है आपका, इसमें न्यूक्लियस आप कह सकते हैं कि न्यूक्लियस आर नॉट वेल डेवलप, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जो न्यूक्लियस होता है स्टूडेंट, उनका डेवलपमेंट यानी बहुत ज्यादा डेवलप नहीं होते हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स में। जो कि यूकैरियोटिक सेल्स होता है आपका, इसमें जो होता है स्टूडेंट न्यूक्लियस होता है आपका, न्यूक्लियस, ठीक है, न्यूक्लियस आर वेल डेवलप, ठीक है। यानी कि आप कह सकते हैं कि जो न्यूक्लियस होता है यूकैरियोटिक्स में, उसमें क्या होता है? न्यूक्लियस का डेवलपमेंट हो जाता है अच्छे से, यानी वेल डेवलप आप कहते हैं। इसमें न्यूक्लियस आपका जो होता है डेवलप नहीं होता है, ठीक। अब देखिए क्या स्टूडेंट, कि कुछ चीज आपको कॉमन बताए जाएंगे, ठीक है। कुछ चीज नोट कर लीजिएगा, आपको कॉमन बताए जाएंगे जो क्या होंगे आपका प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स दोनों में पाए जाते हैं। जैसे फर्स्ट इज क्या स्टूडेंट कि आपका सेल मेम्ब्रेन, क्या है? सेल मेम्ब्रेन। तो जो सेल मेम्ब्रेन होता है स्टूडेंट, इसको हम और क्या कहते हैं? इसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं। तो जो सेल मेम्ब्रेन होता है एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो आपका है, ये क्या होता है? प्रोकैरियोटिक सेल्स एंड यूकैरियोटिक सेल्स दोनों में पाए जाते हैं। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कौन सा ऐसा चीज है स्टूडेंट जो, यानी कि जो प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स दोनों में जो होता कॉमन है, जब पाया जा रहा है, तो आप क्या कहेंगे? सेल मेम्ब्रेन्स कहिए या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स कहिए, ठीक। सेकेंड क्या स्टूडेंट? सेकेंड आपको बताए जाते हैं कि राइबोसोम्स क्या होता है आपका। राइबोसोम्स जो होता है स्टूडेंट आपका,
यदि प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स दोनों में पाए जाते हैं, फर्क बस इतना क्या स्टूडेंट कि यहाँ पर जैसे प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स होते हैं 70S और ZOTAP-80S पाए जाते हैं, तो ये आपका वेरी करेगा, लेकिन राइबोसोम्स क्या होते हैं, दोनों में आपके पाए जाते हैं। थर्ड क्या स्टूडेंट, थर्ड जो होता है स्टूडेंट आपका साइटोप्लाज्म, क्या आपका साइटोप्लाज्म है। तो साइटोप्लाज्म जो होता है स्टूडेंट आपको पता है, आप क्लास नाइन्थ में भी पढ़ते हैं, तो साइटोप्लाज्म जो होता है स्टूडेंट आपका एज अ सेल्स में पाया जाता है, यानी आप कह सकते हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स एंड यूकैरियोटिक सेल्स दोनों में जो होता है कि साइटोप्लाज्म पाए जाते हैं, ठीक है। तो आपका तीन चीज मैं बता रहा हूं जो कि आपका कॉमन होता है, फर्स्ट आपका क्या है कि सेल मेम्ब्रेन्स है, सेकेंड क्या आपका राइबोसोम्स है, थर्ड क्या आपका साइटोप्लाज्म है, ठीक है। ये तीनों जो होता है स्टूडेंट आपके प्रोकैरियोटिक सेल्स एंड यूकैरियोटिक सेल्स दोनों में पाए जाते हैं। अब देखिए क्या है कि अगर हम सेल के साइज की बात करते हैं, क्योंकि कोई जरूरी नहीं है कि आपके बॉडी में जितने भी सेल्स पाए जाते हैं सभी सेल्स का क्या हो कि साइज सेम हो, ऐसा नहीं हो सकता। यानी कि प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स का भी अगर केस में देखेंगे स्टूडेंट, तो सभी के सेल का साइज होता सेम नहीं होगा। तो यानी कि सेल का साइज क्या होता है, वेरी करता है, अलग अलग सेल्स का जो साइज अलग अलग आपको देखने को मिलता है। जैसे क्या है स्टूडेंट, ठीक है, यानी आप कह सकते हैं कि जो आपका सेल साइज होता सबका सेम नहीं होता। स्टूडेंट इसको मैं इरेज कर रहा हूं, ठीक, उसका मैं आपको बता रहा हूं कि कौन कौन से ऐसे सेल्स होते हैं जो साइज के बेस पे आपको बताए जा रहे हैं, कौन सा आपका स्मॉलेस्ट सेल्स है, कौन सा आपका जो होता है कि लार्जेस्ट सेल्स है, कौन सा आपका जो होता है कि लॉन्गेस्ट सेल्स है, ठीक। तो आप बस क्या है आपको बस ध्यान से देखने की जरूरत है, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बेसिक चीज भी है स्टूडेंट जो आपको पता होना चाहिए हमेशा, ठीक है। ये आप स्क्रीनशॉट ले लिया करिए, क्योंकि बोर्ड छोटा है तो बार बार मुझे जो होता है इरेज करना पड़ता है। जैसे देखिए क्या है, अगर सेल के साइज की बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है, सेल के साइज की बात करते हैं, तो सेल साइज का मतलब आप कह सकते हैं कि ऑल सेल्स आर नॉट सेम साइज, ठीक है, सेम साइज, यानी जो सभी सेल्स होता है स्टूडेंट उनका सेम साइज नहीं होता है। जैसे देखिए क्या है, एग्जांपल में आपको कुछ बताए जा रहे हैं, फर्स्ट एग्जांपल आपका माइकोप्लाज्मा, क्या है माइकोप्लाज्मा जो होता है स्टूडेंट आपका स्मॉलेस्ट सेल्स होता है, क्या है आपका माइकोप्लाज्मा इज ए स्मॉलेस्ट सेल्स होता है आपका। अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे स्मॉलेस्ट सेल्स कौन सा है तो आपको बताना होगा माइक्रोप्लाज्मा, जिसका जो साइज की अगर बात करते हैं हम लोग तो साइज इसका होता है स्टूडेंट 0.3 जो होता है माइक्रोन मीटर्स होता है, ठीक। उसके बाद देखिए क्या सेकेंड थिंग्स आपको बताए जा रहे हैं, लॉन्गेस्ट सेल्स, जो लॉन्गेस्ट सेल्स होता है स्टूडेंट, लॉन्गेस्ट सेल्स का मतलब है कि जिसका जो होता है कि लेंथ की बात करते हैं तो बहुत ही बड़े होते हैं लॉन्गेस्ट सेल्स, तो लॉन्गेस्ट सेल्स होता है कि आपका क्या है आपका नर्व सेल्स है, ठीक है, यानी कि नर्व सेल्स होता है स्टूडेंट आपका लॉन्गेस्ट सेल्स होते हैं, जो आपके जो होता है कि पूरे बॉडी में स्कैटर्ड है, आपके नर्वस सिस्टम से रिलेटेड किसी भी चीज को सेंस करते हैं, ठीक है, किसी भी स्टिमुलस करिए या फिर किसी मैसेज को जो होता है कि सेंस करते हैं और सेंस करके आपके ब्रेन तक पहुंचाते हैं, ठीक। उसके बाद देखिए क्या आपका थर्ड जो होता है स्टूडेंट आपका थर्ड आपका लार्जेस्ट सेल्स है, ठीक है, ये आपका क्या लॉन्गेस्ट, ध्यान रखिएगा, थर्ड आपको बताए जा रहे हैं लार्जेस्ट सेल्स बताए जा रहे हैं। लार्जेस्ट सेल्स जो होता है स्टूडेंट आपका ओस्ट्रिच का एग होता है, किसका होता है ओस्ट्रिच का जो होता है स्टूडेंट एग जो होता है ये आपका क्या लार्जेस्ट सेल्स है। उसके बाद देखिए क्या है आपका, अगर बैक्टीरिया की बात करते हैं हम लोग, बैक्टीरिया की किसकी बात करते हैं, बैक्टीरिया की बात करते हैं, तो बैक्टीरिया का जो एवरेज साइज है स्टूडेंट एनसीईआरटी के बेस, क्लास 11th एनसीईआरटी के बेस पे जो डाटा मेंशन है वह है आपका 3 से लेकर के 5 जो होता है माइक्रोन मीटर्स होते हैं, ठीक है, बैक्टीरिया की अगर बात करते हैं। कुछ ऐसे भी बैक्टीरिया आपको मिलेंगे जिनका क्या होता है स्टूडेंट 3 से भी जो होता है कि साइज कम होगा, 5 से भी साइज कम होगा,
ठीक है, तो आप ये नहीं कर सकते हैं। लेकिन क्या है कि एनसीईआरटी के बेस पे डाटा दिया गया है कि एवरेज जो बैक्टीरिया का साइज लिया जाता है वो 3 से 5 माइक्रोमीटर लिया जाता है। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है, अगर कहीं भी एमसीक्यू में क्वेश्चंस आता है तो ये डाटा आपको देना पड़ेगा। उसके बाद देखिए क्या कि अगर हम आरबीसी की बात करते हैं, आरबीसी क्या स्टूडेंट आपका रेड है, रेड ब्लड सेल्स है, क्या आपका रेड ब्लड सेल्स है। और ये जो रेड ब्लड सेल्स होती हैं इनकी अगर साइज की बात करते हैं हम लोग तो इनका साइज होता है 7 माइक्रॉन्स होता है, मीटर्स डायमीटर्स होता है, ठीक है, क्या होगा 7 होता है माइक्रॉन डायमीटर्स होता है, ठीक। उसके बाद देखिए क्या है आपका यूकैरियोटिक सेल्स की बात करते हैं हम लोग, 6 आपका है यूकैरियोटिक्स, ठीक है, यूकैरियोटिक्स। जैसे भी मैं आपको बताया प्रोकैरियोटिक्स एंड यूकैरियोटिक सेल्स, तो जो यूकैरियोटिक सेल्स होता है ये इसका जो सा साइज देखिएगा सबसे ज्यादा आपको बताया जा रहा है 10 से लेकर 20 होता है कि माइक्रोन मीटर्स होते हैं, ठीक है। ये क्या है स्टूडेंट आप देख रहे हैं कि जो सेल के साइज के बेस पे जो होता है सभी सेल्स का जो होता है साइज सेम नहीं है। यहाँ पे जो सेल्स देख रहे हैं ये क्या है कि कहीं कहीं का साइज वेरी कर रहा है, कुछ आपका जैसे क्या माइक्रोप्लाज्मा इज ए आपका स्मॉलेस्ट सेल्स है, एंड जो होता है कि आपको नर्व सेल्स बताए जा रहे हैं कि एज ए लॉन्गेस्ट सेल्स है, ओस्ट्रिच एग बताया जा रहे हैं आपको जो होता है कि लार्जेस्ट सेल्स है, बैक्टीरिया का साइज होता है 3 से लेकर 5 माइक्रोमीटर आपको बताया जा रहे हैं, आरबीसी की बात करते हैं जो आपके ब्लड में पाया जाता है 7 माइक्रोमीटर डायमीटर्स होता है, उसके बाद यूकैरियोटिक सेल्स बताए जा रहे हैं जो 10 से लेकर 20 होता है कि आपका माइक्रोमीटर्स है। तो ये देख रहे कहीं कहीं जो होता है कि सेल का साइज वेरी कर रहा है, यानी कि आप कह सकते हैं कि सभी के जो सेल्स होते हैं सभी सेल्स होता है उनका साइज सेम नहीं होता है। उसके बाद देखिए क्या स्टूडेंट ये तो हो गया साइज के बेस पे, अब जो होता है अगर हम शेप के बेस पे बात करते हैं, किस बेस पर शेप के बेस, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप लोग, ठीक है। अब हम लोग जो होता है शेप के बेस पे बात करते हैं, किस पे शेप पे, तो शेप भी क्या होता है वेरी करता है स्टूडेंट, सभी सेल्स का जो शेप होता है वह आपका सेम देखने को नहीं मिलेगा तो क्या करेगा वैरी करता है, ठीक है। स्क्रीनशॉट देखिए बार बार कर रहा हूं, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए या फिर साथ में जो होता है कि नोट्स आप बनाते रहिए, क्योंकि नोट्स बनाना आपको बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अगर नोट्स आप नहीं बनाते हैं कॉपी पे कंटेंट लिखेंगे नहीं उसको लर्न नहीं करेंगे तो आप फिर भूल जाएंगे, ठीक है। प्रैक्टिस करना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है जो कि आपका रेगुलरिटी बनाता है, रेगुलरिटी को मेंटेन करता है, ठीक है। अब आइए हम लोग बात करते हैं किस पे बात करते हैं शेप के बेस, यानी कि जो सेल है सेल का शेप के बेस पे बात करते हैं। तो देखिए क्या जो सेल्स का शेप है ये भी जो होता है कि आपका क्या होगा नॉट सेम लिख दे रहा हूं मैं, नॉट सेम का मतलब ये है कि सभी जो होता है सेल का जो शेप होता है वो आपका सेम नहीं होता, वेरी करता है। जैसे एग्जांपल में कुछ आपको दे करके बता दे रहा हूं, फर्स्ट आपको बताए जा रहे हैं आरबीसी, ठीक है। आरबीसी का जो शेप होता है वह होता है बाई कनकेव होता है, ठीक है, क्या होता है आपका बाई कनकेव शेप में होगा, या फिर आप कहते हैं या तो फिर आप कहते हैं कि राउंड शेप में है, ठीक है। तो ये तो हो गया आपके आरबीसी का शेप। उसके बाद जो होता है सेकेंड है आपका डब्ल्यूबीसी है, सेकेंड आपका क्या है डब्ल्यूबीसी आपका, तो जो डब्ल्यूबीसी का जो होता है ये भी आपका एक तरह का सेल है, इसका जो शेप देखते हैं आपका अमीबॉइड शेप होता है, कैसा होता है अमीबॉइड शेप होता है, ठीक है। तो अमीबॉइड शेप का मतलब ये है कि इसका शेप जो होता है फिक्स नहीं होता, जैसे अमीबा का कोई शेप फिक्स नहीं होता वेरिएबल होता है, उसी तरह से डब्ल्यूबीसी का भी शेप जो होता है फिक्स नहीं है, यानी हम कहते हैं इसको अमीबॉइड शेप है। नर्व सेल्स देखिए क्या होगा आपका, जो नर्व सेल्स होते हैं आपका नर्व सेल्स होता है इसमें लॉन्ग होते हैं काफी ज्यादा, ये लॉन्ग होंगे और क्या होता है इसमें लॉन्ग एंड्स होता है ब्रांचिंग होता है, ठीक है, क्या होगा ब्रांचिंग होता है। ये आप देखते हैं इस बेस पे, इससे मान लीजिए आपका ऐसे आप देखते हैं कि बहुत से क्या होते हैं डेंड्राइट्स निकले रहते हैं डेंड्रॉन्स निकले रहते हैं, इस तरह से क्या होता है कि ब्रांचिंग आपको देखने को मिलता है, ठीक है, यानी कि ब्रांचिंग इसमें देखने को मिलेगा। नर्व सेल्स क्या होंगे आपका लॉन्ग होगा एंड ब्रांचिंग होगा। उसके बाद फोर्थ आपको बताया जा रहे हैं मेसोफिल सेल्स, क्या बताया जा रहा है
मेजोफिल सेल्स बताया जा रहा है। ठीक है, देखिए क्या है कि जो मेजोफिल सेल्स होते हैं, जो मेजोफिल सेल्स होते हैं, ये मेजोफिल सेल्स होता है आपका, इनका अगर हम बात करते हैं शेप का, तो इनका कैसा होता है, राउंड शेप में होते हैं। एंड कैसे और कैसे होते हैं स्टूडेंट्स, होता है कि आपका ओवल शेप में होते हैं। कैसे होते हैं आपका, ओवल शेप में होते हैं। ठीक है, तो राउंडेड होगा और कैसा होगा आपका, ओवल शेप होगा। यानी आप कह सकते हैं कि जो मेजोफिल्स आप देख रहे हैं, इनका सेल्स होता है, जो कि आपको बताया गया था कि जो मेजोफिल्स होता है, ये प्लांट के जो होता है कि लीफ में आपको देखने को मिलते हैं। ठीक, जो क्लोरोफिल्स को कंटेन करता है। यानी आप कह सकते हैं कि सभी जो होता है सेल का शेप भी जो होता है स्टूडेंट सेम नहीं होता, वेरी करता है। सभी सेल का जो होता है कि साइज भी स्टूडेंट होता है सेम नहीं होता, वेरी करता है। ठीक, तो ये तो मैंने आपको बेसिक चीज बता दिया सेल क्या है। ठीक है, सेल जो होता है कि ऑन द बेसिस ऑफ न्यूक्लियस, प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल्स। प्रोकैरियोटिक सेल्स में न्यूक्लियस होता है कि बहुत ज्यादा डेवलप नहीं है, यूकैरियोटिक सेल्स में क्या होता है न्यूक्लियस डेवलप होता है। उसके बाद सेल का जो होता है शेप एंड साइज के बेस पे मैंने आपको बता दिया। अब स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं हम लोग जो था प्रोकैरियोटिक सेल्स। तो प्रोकैरियोटिक सेल्स स्टार्ट करेंगे, पूरा डिटेल पढ़ेंगे, उसके बाद यूकैरियोटिक सेल्स पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहले स्टार्ट करते हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स। प्रोकैरियोटिक सेल्स, जैसे प्रोकैरियोटिक्स का एग्जांपल्स आपको बताया था मैं कि एज ए बैक्टीरिया जो होता है प्रोकैरियोटिक्स का एग्जांपल है। ठीक है, तो प्रोकैरियोटिक सेल्स का पूरा डिटेल देखेंगे स्टूडेंट।